तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द लैंडी जी फैक्टर, जी फैक्टर और क्वांटम मैकेनिकल वी ऑफ जीमान इफेक्ट, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे लैंडी जी फैक्टर के अलग अलग टर्म्स के लिए और ऑर्बिटल्स के लिए, जी फैक्टर के लिए जी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते थे, जी इक्वल टू वन कह देते थे, जी इक्वल टू टू कह देते स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पिन के लिए और विटल के लिए वन कह देते, कैसे आता है वैल्यू ये भी पता रख जाना है और इसके हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, हम ट्राई करेंगे। सो इसमें मैं बता दूं कि ये समझ में तभी आना है जब आपको एक्सपेक्ट मॉडल और प्रीवियस आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से और वो पहले समझ में आ रहा है। राइट, तो आपको अगर समझ में नहीं है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि पहले वाले टॉपिक आप क्लियर नहीं है, जो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस नॉलेज ज्यादा है। राइट, तो एज यू नो दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वेक्टर एटम मॉडल में कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम को किसी एटॉमिक सिस्टम का, एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज कैपिटल जे वेक्टर एंड दैट इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है और उसके साथ ही साथ वो स्पिन भी करता है, यानी कि वो अपने ओन एक्सिस पे भी मोशन करता है, स्पिन करता रहता है, तो इसलिए उसके पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो टोटल के लिए हम यहाँ पर वेक्टोरियली सम करते हैं। Right, so the orbital angular momentum and spin angular momentum are, ये भी हम लोगों ने try कर रखे हैं, right? बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में देखिए orbital magnetic moment, dipole moment, क्या था Miguel vector, पहले यहाँ पे use किया गया है orbital के लिए, vector quantity है, vector लगा रखे हैं, minus gl, maybe upon h cut into l vector, even हम लोगों ने gyro magnetic ratio यहाँ पर calculate किया तो आपको ध्यान होगा और वहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर GL इंट्रोड्यूस कर दिए थे और GL की वैल्यू बाहर। राइट, तो वहां पर हमने यूज कर लिए बट यहाँ लास्ट में हम इसका डेरिवेशन आज करेंगे तो इसे पता चल जाएगा कैसे क्या वैल्यू आ रही है। राइट, तो ये फॉर्मुलेशन हमने पढ़ रखे हैं। राइट, मीवियस स्पिन के लिए एज इट इज मीवियस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जीएस मीडियस अपॉन एच कट इन यूएस वेक्टर। राइट, सो ये जो वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सिंस GL इज इक्वल टू 1 एंड GS इज इक्वल टू 2, तो ये है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दिया जाएगा। सो द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज गिवन बाय, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होती है लैंडी जी के डेरिवेशन में कि किस तरह से हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में आप कह सकते थे कि जरा जस्ट हम इसको सम कर देंगे तो आ जाएगा, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एस की जगह टू एस लिखा है और एल प्लस एस नहीं लिखा है। राइट, तो ये रीजन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका जो डायग्राम है उससे भी आपको समझ में आ जाना है कि क्यों हम एल प्लस एस की जगह एल प्लस टू एस यूज कर रहे हैं। राइट, इवन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है और इससे भी आप समझ सकते हैं और डायग्राम। राइट, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सम किया गया है बट उसमें ये 2s plus l vector plus 2s vector लिखा है। क्यों लिखा है देखो, instead of l plus 2s in right hand side of equation this first equation it is l plus s vector, then j vector and mu vector, that is मतलब j vector total angular momentum था और mu vector total magnetic moment है, would be collinear but anti-parallel. Collinear वेव तो हम कह सकते हैं बट वो anti-parallel हो जाएगा, जबकि उसको हम वेक्टर एटॉमिक मॉडल से या वेक्टोरियली किसी दो वेक्टर को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें ऐसा anti-parallel वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, anti-parallel ये नहीं होगा, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दे नेवर बी anti-parallel, वो कुछ ना कुछ एंगल से प्रोसेस होता है, मतलब डिफरेंट होता है उसका ओरिएंटेशन। सो हाउएवर बिकॉज ऑफ फैक्टर 2 s वेक्टर इन इक्वेशन j एंड m विल नॉट बी कोलिनियर अनलेस आइदर l इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अगर हम 0 कर देंगे तभी j होगा और m होगा वो
एंटी पैरेलल हो सकता है, अदरवाइज नहीं, यानी उसका कोई भी मतलब मैग्नीट्यूड हो ही नहीं, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड आई नहीं, राइट, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा. सो जे एंड म्यू आर नेवर एंटी पैरेलल व्हेन बोथ म्यू एल एंड म्यू एस आर कोसाइन. अगर किसी एटॉमिक सिस्टम में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर प्रेजेंट है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंटी पैरेलल नहीं हो सकते, राइट. तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग. सिंस एल एंड एस प्रिसिस्ट अबाउट जे वेक्टर, जैसे कि हम दोनों वेक्टर मॉडल में पढ़ रखे थे, कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ये किसके अबाउट प्रिसिस्ट होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, राइट. सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 1.2 that total magnetic moment must also persist about J vector. ये जो कहानी कही जा रही है कि यहाँ पर किस तरह से precision हो रही है, इस J के cross जो total magnetic moment है, ये total magnetic moment यहाँ पर जो represent है, ये J यहाँ पर represent है total angular momentum, L orbital angular momentum को यहाँ पर represented है, S वेक्टर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया गया है. तो इसको किस तरह से प्रेसिस हो रहा है, यानी कि हमने कहा कि L और S इस J के क्रॉस वो प्रेसिस करेगा, राइट. ये स्पिन मोशन कर रहा है, राइट. प्रेसिशन आपने पढ़ा के लार्मर प्रेसिशन और लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन किया रखा है प्रीवियस डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर्स में. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो जे है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, उसके अक्रॉस ये न्यू वेक्टर भी प्रेसिस्ट करेगा. देखिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपने पढ़ रखे हैं कि एल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एस के जस्ट अपोजिट में उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट. तो उसी तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी डायग्राम में देखिए जो एंटी पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, इसको बिल्कुल हम सेम लाइन में नहीं लिख सकते, लिख रखे हैं, ये कुछ ना कुछ उस अपने पार्टिकुलर एंगल से एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, राइट. देखिए हम लोग तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं न्यू वेक्टर है वो इसके जस्ट अपोजिट नहीं है टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट. ये इस डायरेक्शन में, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में. सो The component of mu along J that is defined as the effective total magnetic moment mu J. ये जो है mu vector that is the total magnetic moment, right? अब इसका हम J के along, J total angular momentum है, उसका अगर हम total magnetic moment J के along बात करें, that is mu J, right? So that is given by that is the dot product of mu and J. और ये जस्ट आपको मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, राइट. तो यहाँ मी डॉट जे इज इक्वल टू मी जे कॉस थीटा लिख लिया, राइट. और इसको जस्ट बहुत ही केयरफुली इसको देखो मैनिपुलेट किया गया है, जस्ट ये मी का एज इट इज हो गया. जे कॉस थीटा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी म्यू कॉस थीटा को लिख सकते हैं म्यू जे, दैट इज द जे कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट अलोंग जे, दैट इज द नीचे, राइट. तो ये हम लिख लिए म्यू कॉस थीटा को नीचे और जे एज इट इज है, राइट. तो यहाँ से हमने म्यू जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दैट इज म्यू जे इज इक्वल टू दिस वन अपॉन जे वेक्टर, मॉडुलस ऑफ जे वेक्टर, राइट. तो यहाँ पर अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो इक्वेशन हमने लिख रखे हैं, म्यू की वैल्यू क्या था हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट. और एज इट इज ये डॉट में आएगा, ध्यान रखना है ये डॉट का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, राइट, की वेक्टर हम क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं, राइट. तो माइनस म्यू बी अपॉन एच कट एज इट इज, और ये जस्ट एल प्लस टू एस डॉट जे को इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट कर दिए, तो एल डॉट जे हो गया एक बार, तो
एल डॉट एस हो गया प्लस टू एस डॉट जे वेक्टर राइट अपॉन एज इट इज जो भी पैरामीटर यहाँ पर है। उसके आगे जस्ट इसमें अब हम लोग मैथमेटिक्स के हेल्प से आगे प्रोसीड करेंगे। हमें जे की वैल्यू टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मालूम है राइट दैट जे इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम राइट। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो प्रीवियस इक्वेशन में हमने यहाँ पर जे की जगह रख दी है एल डॉट एस प्लस एस प्लस टू एस इन टू एल प्लस एस राइट। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए एल डॉट एल हो जाएगा दैट इज एल स्क्वायर और एल डॉट एस हो जाना है तो यहाँ पर एड अप हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा टू एस डॉट एल और यहाँ पर एल डॉट एस था तो थ्री एल डॉट एस था और एस डॉट टू एस डॉट एस तो ये टू एस स्क्वायर हो जाएगा राइट। तो ये आपको ध्यान होगा कि एल डॉट एल की वैल्यू ये मैग्नेटिक में आता है तो इसका ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये एल स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर प्लस थ्री एल डॉट एस वेक्टर है और ये एडिटिव अगर नहीं है तो ये बहुत ही सिंपल है। केयरफुली आप इसको करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा। अब हमें जिस तरह से हमने कपलिंग में ये तो हम कैलकुलेट किए थे इधर एल डॉट एस के वहीं से जी डॉट जे की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके जी स्क्वायर से ये सॉल्व करके एल डॉट एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया सो दैट ये थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पाए राइट। तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू हम एल डॉट एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको मैं बहुत ही फास्ट यहाँ कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, रिसर्च करने वाली बात नहीं है। जस्ट न्यूज इज दैट इज द जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलॉन्ग जे वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस वी वी अपॉन एच कट। ये एज इट इज इक्वेशन थर्ड में माइनस वी वी अपॉन एच कट लिख लिए एल स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू ये हो गया अलग से और इसमें फिर ये जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर वैल्यू रख दिया अपॉन में जे वेक्टर मॉडुलस ऑफ जे वेक्टर राइट। तो इसको फिर आगे देख सकते हैं, इसमें जस्ट सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है तो ये मैथमेटिक्स बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे राइट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या फॉर्मुलेशन आएगा। तो ये जो लास्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन आया है अब इसमें हमने जो हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में इसमें जे की वैल्यू एस की वैल्यू एल की वैल्यू जो मालूम है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ये पहले से आपको मालूम है जे इज इक्वल टू अंडर रूट जे प्लस जे प्लस वन इंटू एच कट, तरह से एल की वैल्यू मालूम है एस की वैल्यू मालूम है, तीनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर जो सॉल्व किए लास्ट में जो वैल्यू आया उसके बाद एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा दैट विल लुक लाइक दिस राइट। अब इसको प्रॉपर सेट करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है दैट इज बेसिकली लैंडिंग जी फैक्टर स्मॉल जी, ये माइनस म्यू बी आपको मालूम है दैट इज द बोहर मैग्नेटॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस बोहर मैग्नेटॉन दैट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो माइनस म्यू बी यहाँ पर जी इंट्रोड्यूस कर दिए, बी इज इक्वल टू क्या है दिस ब्रैकेट क्वांटिटी जो यहाँ पर प्रिंटेड है और इंटू जी इंटू जी प्लस वन। तो यहाँ पर मैं बॉक्स में इसलिए बंद कर सकता हूँ इस फॉर्मुलेशन को, इवन ये हमें क्वांटम मैकेनिकल भी ऑफ जी मनी फैक्ट से पढ़ेंगे उसमें ये फॉर्मुलेशन यूज करना है राइट। इवन ये भी हमें अभी फॉर्मुलेशन यूज करना है जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करें राइट। सो बेसिकली व्हाट इज जी, जी इज इक्वल टू वन प्लस, ये बहुत ही ईजी फॉर्मुलेशन है, वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एस इंटू एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन राइट। तो ये फॉर्मुलेशन आपको जी का ध्यान रखना है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स डायरेक्टली द रिलेटिव सेपरेशन ऑफ जीवन लेवल्स फॉर द डिफरेंट टर्म्स। अब देखिए टर्म्स का मतलब यानी हम टर्म्स का मतलब है एस पी डी एफ जो हम लोगों ने टर्म्स के बारे में बात किए थे वो यहाँ पर टर्म्स की बात हो रही है जो कि हम लोगों ने नोटेशंस पर रखे थे, है ना, किस तरह से किसी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कल में
we had 2p 3 by 2, 2p 3 by 2. So, यहाँ पर p है वो टर्म है, कौन से टर्म है, ये p टर्म, राइट, ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसे हमें पता चल जाना है, ये किसका वैल्यू है, ये मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकता है, राइट. तो इसके यूटिलाइजेशन आप देख ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज हमने करेंगे अभी आगे और कर रखे हैं, राइट. अब आप लोग एक प्रॉब्लम इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कैलकुलेट द लैंडिंग फैक्टर फॉर एस इलेक्ट्रॉन. तो एस इलेक्ट्रॉन की बात कर दी गई, तो हमें एस इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम है कि एस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 और एस का वैल्यू कितना होता है 1/2. तो ये एल इक्वल जे टोटल कितना होता है, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस, तो एस होता है तो एस की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता है, माइनस 1/2 यहाँ पर नहीं हम ले सकते हैं क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है. तो जे की वैल्यू जस्ट है 1/2 होता है एस एस इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट. तो यहाँ रहेगा, तो ये तीनों वैल्यूज है, जस्ट फॉर्मुलेशन में आप देख सकते हैं कि जे है, एस है, एल है और जे एस एल तीन क्वान्टिटी है. तो जे एस एल की वैल्यू आपको मालूम चल गया केवल एक टर्म एस इलेक्ट्रॉन बोलने से, तो उसके लिए जी फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, एस इलेक्ट्रॉन के लिए, एस के लिए, स्पिन के लिए, दैट विल बी गिवन बाय टू, राइट. तो इस तरह से हम एस के लिए टू वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये आप बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं. एक का आप टर्म से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकुलर टर्म के लिए. यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेट द लैंडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट 2p 3/2, राइट. तो अभी मैंने जैसे बताया कि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी. तो यहाँ पर हमें अब जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम क्या क्या होना चाहिए, तीन क्वांटिटी मालूम होना चाहिए, स्मॉल एल की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू और स्मॉल जे की वैल्यू, राइट, दैट इज द क्वांटम नंबर्स. ये वैल्यू अगर मालूम होंगे तो फिर आप ये आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो पी लिखा है, जो कैपिटल पी यहाँ लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स द टर्म that is related to L is equal to 1. इसको आप एक बार रिकॉल करें, तो L is equal to अगर हम 0, 1, 2, 3 ऐसे जब हमने रिप्रेजेंट किए थे, तो S किस 0 किसको रिप्रेजेंट करता था, S को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, D को, और 3 रिप्रेजेंट करता है, तो S, P, D, F, right? S, P, D, F ये सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर देखो ऑर्बिटल्स जो एल की वैल्यू 1 के लिए ये पी रिप्रेजेंट है, तो हमें एल की वैल्यू पता लग गया, राइट. तो एल की वैल्यू 1 पता लग गया, तो 1 के ए हो गया, और एस की वैल्यू 1/2 होता है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 एल प्लस एस होता है, तो एल प्लस एस यानी कि 1 + 1/2 दैट विल गिव यू 3/2, राइट. तो ये एल एस जे की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी लैंडिंग फैक्टर फॉर टर्म 2p 3/2. इसी तरह से किसी भी टर्म का आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप इसे हैंडल कर सकते हैं, राइट. सो हमारे पास अभी टाइम है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट. नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, यहाँ पर ज़ीमन इफेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ज़ीमन इफेक्ट इवन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीमन इफेक्ट क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं. तो टाइप्स में मैं बता दूँ कि बेसिकली ज़ीमन इफेक्ट भी रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, कि ज़ीमन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, कि कोई सिंगलेट या डबलेट लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं. हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से जब हम उसको स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो स्पेक्ट्रल वो स्प्लिटेड दिख रहे हैं. और उसमें स्ट्रेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे हम कहते हैं कि ज़ीमन इफेक्ट दो तरह के, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट और एक एनालॉगस ज़ीमन इफेक्ट. तो क्लासिकल हमने रील देख रखे हैं, इसका क्लासिकल की भी इसको पढ़ रखे हैं, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट का. यहाँ पर क्लास क्वांटम हम थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं किस तरह से कोई स्पेक्ट्रम
अगर है, अगर कोई किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांजिशन कर रहा है, तो हमें मालूम है कि उसमें एनर्जी मीट होगी, तो वो एनर्जी मीट होगी यानी कि वो स्पेक्ट्रम हमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा। तो उस स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आप ये जीवन शिफ्ट हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर रखे थे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स एलिजिबल टू जो स्टेट है, एनर्जी लेवल्स है, ये किस तरह से स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन दिखाई गई है वो तीन तरह की ट्रांजिशन भी रिप्रेजेंटेड है, राइट। एक आप एक सेंट्रल देख सकते हैं और एक उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, जो कि हम लोगों ने रिमन शिफ्ट में डिस्कस किए हैं, रिमन इफेक्ट में डिस्कस किए। तो स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग डेरिवेशन और इसके थ्योरी। सो ये जो अभी शुरू पे जो ये मैथमेटिक्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये प्लस टू में पढ़ रखे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इवन हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी है, कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। राइट, सो व्हेन एन एटम दैट इज ट्रीटेड एज एटॉमिक डाइपोल, से आपको मालूम है कि किसी भी एटॉमिक सिस्टम को हम डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो चार्ज हो गए हैं और उसके पार्ट उसके बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है, तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इवन आपने डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उसी तरह से हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन करता है किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसमें करंट जनरेट होगा, राइट, करंट लूप जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोगों ने बात की थी, तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, बार मैग्नेट की तरह हम बिहेव कर सकते हैं, राइट। सो इसको हमने व्हेन एन एटम दैट इज एटॉमिक डाइपोल दैट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द टॉर्क टाउ एक्स ऑन इट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर डायग्राम देखिए, आपने दो डेरिवेशन कर रखे हमने प्लस टू लेवल पे, आप लोग एक बार कर सकते हैं कि किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, राइट, और टॉर्क यानी कि हम उस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि वो डाइपोल रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट, रोटेशन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें एक तरह की वर्क होगा, वर्क एक तरह की एनर्जी है, तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म से हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इस सिस्टम को, कि किसके टर्म सिस्टम को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट किए मतलब प्लेस किए तो उस पर क्या क्या उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ा, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू ये म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट, मैग्नेट्यूड हमने कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर थीटा देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है नीचे वेक्टर और उसके और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल जो है वो थीटा है, राइट। सो द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, आपने केसेस पढ़ रखे हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये भी आपको मालूम है। So the torque will be maximum if the atom that is atomic dipole is perpendicular to the field, यहाँ पर sin theta है, ये sin theta की value maximum कम होगी, कब हो जाएगी, जब theta is equal to 90 degree होगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे होगा magnetic field के just perpendicular, यानी कि magnetic field और उस dipole के बीच में 90 degree के angle होगा, तो torque maximum होगा, right? On the other hand, यानी कि उसके just opposite हम बात कर सकते हैं कि minimum कब होगा, जब theta equal to 0, यानी उसी direction में dipole को भी हमने place कर दिया, either theta equal to 0 या फिर 180 degree जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी मालूम है। सो द वर्क डन इन डूइंग सो इज दैट इज गिवन बाय dW इज इक्वल टू tau d theta, tau क्या है, टॉर्क है, d theta क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस पार्टिकुलर एंगल से कितना हमने रोटेट किया, d theta एंगल से रोटेट किया, तो tau की वैल्यू ये हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज μJ p sin theta into d theta। तो ये सारे मैथमेटिक्स आपने कर रखे हैं, बहुत ईजी है, आपको किसी भी चीज का टोटल कहीं कैलकुलेट करना हो जो बारीकी से बहुत ही माइन्यूटली किसी पार्टिकुलर लिमिट में, तो उस टर्म को हम इंटीग्रेट कर देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को, सो द टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल 90 डिग्री टू थीटा, राइट, एक पार्टिकुलर एंगल पे लाने के लिए 90 डिग्री से ये हम उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू आ जाना है आपको,
राइट। और ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन आ गया और ये थीटा एक बार हो जाएगा, कॉस 90 जीरो ही होता है, तो ये माइनस नीचे भी कॉस थीटा। ये फॉर्मुलेशन हमने वर्क कैलकुलेट कर लिए, इवन आपने ये फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं प्लस डेरिवेशन भी कर रखे हैं, राइट। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन एज द पोटेंशियल एनर्जी, यही हम बातें कहते आ रहे हैं प्लस टू से, है ना, कि ये जो वर्क हमने किया दैट एनर्जी बेसिकली इज एनर्जी एंड दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द डाइपोल। तो व्हेन दिस म्यूजे मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड देन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू दिस मच। अब हमने यहाँ पर म्यूजे की वैल्यू हमारे पास ये हमने अभी कैलकुलेट किए थे जब लैंडिंग फैक्टर का डेरिवेशन कर रहे थे, तो ये हमने अंडरलाइन कर रखे फॉर्मुलेशन, तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। इस जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस मच, क्योंकि उसमें भी माइनस साइन था, राइट, और यहाँ पर नीचे में भी माइनस साइन है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। सो नाउ जे कॉस थीटा इज दैट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ जे, यहाँ पर जे कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये आपने ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक जे जेड की वैल्यू कैलकुलेट किए थे, बेसिकली कंपोनेंट ऑफ जेड जेड टोटल एंगुलर मोमेंटम का, तो उसी से इवन हमने स्पेस क्वांटाइजेशन में फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर रखे थे कॉस थीटा की वैल्यू, वहां से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ना एम जे अपॉन अंडर रूट जे इनटू जे प्लस वन, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लिखा है ना ये वैल्यू, इसके जगह हम स्मॉल एम जे सबस्क्रिप्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ सा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया कि बोहर मैग्नेटॉन आ गया, लैंडिंग फैक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और हमारे पास जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गए, राइट। तो अब इसमें टोटल एनर्जी यानी कि बोहर जो थ्योरी था कि ट्रांजिशन होगी, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन अगर एटॉमिक सिस्टम में होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो ये सारा कुछ आपको इवन पहले से मालूम है। मैं थोड़ा सा फास्ट इस पर डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट कि इसी लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। देखिए, सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनिशियल हायर एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रखे हैं ई जीरो, ग्राउंड स्टेट इनिशियल हायर एनर्जी है ई जीरो आई इनिशियल हायर एनर्जी टू फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट ई जीरो फाइनल। अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यहाँ से आई यानी कि इनिशियल फाइनल हायर एनर्जी है और ये एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये लोअर एनर्जी स्टेट्स है, तो ये आप इसे ये समझ सकते हैं कि इसको हम ई एफ कह रहे हैं, ई जीरो एफ कह रहे हैं और ये ई जीरो आई है, राइट। यानी कि ये हायर एनर्जी स्टेट्स है, ये लोअर एनर्जी स्टेट्स है, तो कहीं भी अगर आप ट्रांजिशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सेकंड प्लीज होल्ड, हाँ जी, सो न्यू नॉट इज इक्वल टू ये फॉर्मुलेशन, क्योंकि बेसिकली दैट इज द एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू एच न्यू फोटॉन्स एनर्जी, राइट। तो ये एच न्यू आप देख सकें यहाँ पर न्यू नॉट जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में ये बात हो रही है, राइट। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इज गिवन बाय, क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एनर्जी में मॉडिफिकेशन होगा, इवन हम लोगों ने स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में भी पढ़ रखे हैं कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन होगा तो एनर्जी में मॉडिफिकेशन होगा, उस कंसेप्ट से भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन में भी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर रोल आ, सो द एनर्जी विल बी, क्योंकि एटॉमिक सिस्टम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसलिए उस एनर्जी लेवल पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में उसका कुछ ना कुछ उसमें
टॉर्क एक्ट होगा यानी कि वर्क होगा, वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अब इनिशियल जैसे एनर्जी उसकी नहीं रही, एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू ई नॉट प्लस वी एम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये सिस्टम की उस एटम की एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने वी एम की पोटेंशियल की कैलकुलेट कर रखे हैं, म्यू वी एम जे वी, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए, अब इसमें ट्रांजिशन की अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर रहा है, एटॉमिक सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, एक यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इधर अब एटॉमिक सिस्टम एटम ही नहीं उसमें ट्रांजिशन कर जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन भी इस एटम के इनसाइड में अगर कोई ट्रांजिशन कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं एटम इन एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो व्हेन द एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनिशियल हायर एनर्जी स्टेट ei, राइट, टू द फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट ef इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड दैट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट यूज होना है। ये होता है न्यू इज इक्वल टू ei माइनस ef अपॉन h कट, राइट। यहां पर अब इसी में आप दोनों इसको कंसीडर करके ये फॉर्मुलेशन यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये फर्स्ट वाले के लिए तो एडिटिव हमने लिख लिए, राइट, और सेकंड टर्म के लिए ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया गया, क्योंकि सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट होगा, राइट। तो म्यूजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे और एच कट पे कोई नहीं फर्क पड़ना है, राइट, एच कट नहीं है, एच है, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से अगर हम एज्यूम कर ले कि डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो म्यू वी अपॉन एच कट है, डेल्टा न्यू की जगह हमने म्यू वी अपॉन एच कट कर दी है, राइट। तो ये इसको हमने न्यू नॉट कह दिए, जो कि अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने जो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किए थे वो ये था, राइट, न्यू इज इक्वल टू दिस मच, न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस मच, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू विद इन ब्रैकेट दिस, राइट, ये इट इज रह गया। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मुलेशन में देख सकते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड the presence of magnetic field, this formulation mu is equal to mu naught plus delta nu within bracket this. So iske next lecture mein hum discuss karenge enunciation वगैरह के बारे में और इसको incorporate करके और इसको discuss करेंगे किस तरह से इसकी, right, इसमें कोई doubt होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, Google Classroom पे अवेलेबल रहेगा, इसको next lecture में आगे discuss करेंगे।